वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नैन गहि कहि सुजसु बिहारिनि दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारिदास श्री हरिदास को जीवत है मुखचा बिगरी ले संहार के मेरी कुंज बिहार बाल और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को सिल में डारे खोय श्री कुंज विहार इन लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान भी जो जग तुम्हें परसों पद सुखदान जो बिगड़े गिराबरी हो भगत कुहार ताते तुम सो कहे तुम्हें पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ श्री बिहारी दास पवनवान गत तुमरे चरण कमल मम्मा तुमरे चरण कमल श्री हरि जी महाराज की स्वामी जी महाराज वृंदावन चंद समस्ताचार्य गुरुदेव चरणारविंद की जय जय श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में आज खंड के माध्यम से गुरु प्रकरण सभी श्रद्धालु जन श्रवण कर रहे आज के प्रसंग में आप शब्द ब्रह्म की विशेषता श्रवण करोगे। शिक्षा शब्द बीच गुरु देखो ऊंच नीच जिन करो परेखो। पूर्व समय पूर्व प्रसंग में जन्म गुरु विद्या गुरु कुल गुरु तीनों का प्रसंग श्रवण किया। आओ कल से जो है कुछ प्रसंग सतगुरुओं के विषय में वर्णन हुआ। तो सतगुरु उनका स्वरूप शब्द ब्रह्म और ये प्रकरण जो है आप जो सुनिए। तो शिक्षा शब्द बीच गुरु देखो ऊंच नीच जिन करो परेखो। तो सतगुरु प्रकरण चल रहा है तो महाराज बोले शिक्षा शब्द बीस गुरु देखो कहीं से कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है शब्द शिक्षा कोई शब्द अच्छा मिला है तो उस शब्द के बीच में चाहे वो शब्द बच्चे के मुख से ही निकला क्यों न हो
उस शब्द के बीच में जिससे हमको आत्मबोध हो रहा है, हमारी जो है उपासना में जिस शब्द के कारण कुछ दृढ़ता आ रही है, शुद्ध समझ आ रही है, तो वो जो शब्द है जिस शब्द के माध्यम से हमारा हृदय कुछ प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए वो गुरु है, गुरु भाव है उसमें, उस शब्द में। तो महाराज बोले शिक्षा शब्द बीच गुरुदेव, जो शिक्षा में जो शब्द मिला है उसमें गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, गुरुदेव विराजमान, जो शब्द ब्रह्म की बात होता है। ऊंच नीच जिन करो परेखो, ये ऊंचा कुल का व्यक्ति है, इसके मुख से शब्द निकला है, अथवा यह बड़े कुल का है, अथवा यह छोटा बच्चा है, या कुछ बड़ा है कि बड़ा बूढ़ा है, कहीं से भी शब्द निकला है वो शब्द भी गुरु स्वरूप है। जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिमट सिमट जल भरें तलावा, जिम सतगुण सज्जन पे आवा। जैसे वर्षा ऋतु में, पावस ऋतु में, और बूंद बूंद करके रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है, और बूंद बूंद करके खाली तालाब भी भर जाते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन महापुरुष होते हैं, जिनका मन शब्द पर टिका हुआ होता है, शब्द पर गौर करते हैं, शब्द भेदी जो निषिद्न हुई प्रेम पदार्थ पावे सोई, तो वो सिमट सिमट भर जल भर तलावा। तो जिम सतगुण सज्जन पे आवा, उसी प्रकार जहां तहां से सतगुण को, जो हरि संबंधी गुण को, हरि भक्ति को, जहां तहां से शब्दों में से और टटोल के समझ के और वो ग्रहण कर लेता है। जो दुराचारी है वो नहीं ग्रहण कर पाता है, सतपुरुष ग्रहण कर लेते हैं। सतपुरुष जो है दुराचारी से भी शिक्षा ले लेते हैं, और दुराचारी सतपुरुषों से भी शिक्षा नहीं ले पाता है। ऐसा होता है, ये दृष्टि की बात है। तो शब्द भेदी जो निषिद्न हुई और प्रेम पदार्थ पावे सो, जल्द किसी दिन महाराज कहते हैं, शब्द के भेद में, निदान में, निर्णय में वो है कोई भी साधक, तो उसको हरि का प्रेम प्राप्त होता है। ये सिर्फ वाणी साहित्य है, माधुर्य वाणी साहित्य अथवा वेद पुराण शास्त्र हैं, ये शब्द ही तो हैं, और शब्द में ही हरि विराजमान है। श्रीमद् भागवत जी हैं, भागवत जी शब्द हैं लेकिन हरि स्वरूप। अपने हित में शब्द लगावे, पर के मत में चित में डुलावे। प्रत्येक शब्द में अपना हित समझे। जैसे ब्रह्म सकल घट देखो, शब्द माहियो गुरुवे विशेखो। जैसे हरि सब में विराजमान है, ईश्वरावास्याम एवं जगत क्याम जगत, हरि का वास जगत के कण कण में है। तो उसी प्रकार महाराज बोले, जैसे ब्रह्म सकल घट देखो, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेश्वर तिष्ठति, सभी भूत प्राणियों में हरि विराजमान है, तो उसी प्रकार शब्द में गुरुओं को विराजमान देखो, शब्द के अंदर। ऐसे हरि गुरु अगुण बप, सगुण भेद है और, तो ये गुरुओं का निराकार स्वरूप है, अगुण स्वरूप। शब्द में गुरुओं के दर्शन करना कि मेरे गुरु ही कृपा कर रहे हैं शब्द के माध्यम से, जो मेरे हृदय में उजाला हुआ है, चाहे किसी के मुख से कोई शब्द निकला है, तो गुरु ही स्वरूप है वो, तो ये गुरुओं का निराकार स्वरूप है। तो ऐसे हरि गुरु अगुण बप, सगुण भेद है और, साकार क्या है गुरुओं का स्वरूप,
अगुण सगुण समझे ही मिटे तिमिर है भूर। हमको अगुण और सगुण दोनों ही समझने हैं गुरु के स्वरूप, आगे बताएंगे। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म विचारा अखिल विश्वेन को विस्तारा। शब्द ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, हरि स्वरूप है। अखिल विश्व इनको विस्तार, संपूर्ण विश्व इस शब्द का ही विस्तार है। जब श्री ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे तब उनको तप शब्द ही तो सुनने को मिला, तो शब्द के ऊपर आधार है पूर्ण यानी पूर्व समय से। तो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म विचारा अखिल विश्व इनको विस्तारा। शब्द ब्रह्म बिन ब्रह्म न जाने, शब्द ब्रह्म ते सब उन्माने। अगर गुरुओं के द्वारा शब्द प्राप्त नहीं होगा अथवा वेद शास्त्र प्राण वाणी साहित्य आचार्यों की इनके शब्द प्राप्त नहीं होंगे तो हरि को कैसे समझेंगे। गुरु कृपा नहीं करेंगे, करण पुटों के माध्यम से नाम दान नहीं देंगे तो हरि को कैसे पहचानेंगे। नाम जाप किया जाता, नाम प्रदान करते हैं, शब्द ही तो है, लेकिन ये शब्द ही हरि स्वरूप है जो नाम प्रदान करते हैं। इसी में से जहां नाम नामी तहां, नाम में से ही नामी प्रकट हो जाते हैं। नाम ही नामी स्वरूप है। नाम वाणी निकट और श्यामा श्याम प्रकट, नाम में और वाणी में मन है, ये शब्द है। तो श्यामा श्याम प्रकट हरि एक दिन प्रकट हो जाते हैं, यानी निराकार को सेवन से और साकार प्रकट हो जाते हैं। ये गुरुओं का निराकार स्वरूप है शब्द, और साकार जो प्रकट गुरु धारण किए जाते हैं वो साकार स्वरूप है अथवा हरि स्वरूप है। हरि में और गुरु में कोई भेद नहीं। बोलिए हरि जो, आगे और बताएंगे। तो शब्द ब्रह्म बिन ब्रह्म न जाने, शब्द ब्रह्म ते सब अनुमान। तो जब तक शब्द नहीं मिलता गुरुओं के द्वारा, गुरु प्रदत्त जो शब्द है वही जो है हरि रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही नाम। तो शब्द ब्रह्म ते सब अनुमान, शब्द से ही अनुमान लगाया जाता है। जैसे वाणी को पढ़ते पढ़ते कोई माधुर्य का ऐश्वर्य का हरि के प्रताप का कोई भी शब्द है उस शब्द का अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, तो धीरे 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 क्रमशः है हृदय के अंदर हरि तत्व की अनुभूति होगी शब्द का आश्रय लेके। तो शब्द ब्रह्म बिन कछून आवे, शब्द ब्रह्म ते हरि घर पावे। तो शब्द के माध्यम से ही और हरि धाम प्राप्त होता है, हरि घर पावे। शब्द ब्रह्म हरि माही विराजे, शब्द हो नव में हरि गाजे। शब्द ब्रह्म है सबकी आशा, शब्द ब्रह्म बिन सकल निराशा। वेद पुराण मंत्र व्याकरणा, शब्द ब्रह्म बिन पच पच मरना। वेद पुराण व्याकरण सब हैं, ग्रंथ रखे रहते हैं, लेकिन जब तक कोई महानुभाव गुरु लोग और उसमें से रत्न चुन के साधक को नहीं बताते हैं तो वो धरे ही विराजते हैं, अपने मुख से शब्दों के माध्यम से उनको नहीं सुनाते हैं। तो अनुगत का जो हृदय शुष्क बना रहता है, हृदय में प्रकाश नहीं होता है, और जब वो अपने मुख के द्वारा अपने मुख कमल से सुनाते हैं उन्हीं शब्दों का भावार्थ तो प्रकाश हो जाता है। तो वेद पुराण मंत्र व्याकरण शब्द ब्रह्म बिन पच पच मर। वर्णाश्रम सब जीव चराचर, देव दैत्य नर नाग निशाचर। जितने भी चराचर जीव हैं, चाहे देव हैं दैत्य हैं नर हैं नाग हैं निशाचर हैं, सबको शब्द ब्रह्म आधारा, शब्द ब्रह्म को सकल पसारा। तो ये सब जो है शब्द ब्रह्म का ही पसारा है, शब्द ब्रह्म ही आधार है।
शब्द ब्रह्म शतगुरु सही इनते परे न कोई, निर्गुण बपसो शब्द है सगुण नैन ढिन होय। शब्द ब्रह्म शतगुरु सही, तो शब्द ब्रह्म ये सतगुरु स्वरूप है, शब्द ब्रह्म शतगुरु सही इनते परे न कोई, निर्गुण बपसो शब्द है, तो निर्गुण गुरुओं का निराकार स्वरूप ये शब्द है, शब्द जो दिया है ये गुरुओं का स्वरूप है, और सगुण नैन ढेंग है, और सगुण स्वरूप क्या है, जो साकार स्वरूप से जो बैठे हुए हैं पास में, हम नैनों से दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव के, संतों के, आचार्यों के, तो ये शब्द ब्रह्म का साकार स्वरूप है। बोलो बिहारी जो तो निर्गुण बपसो शब्द है सगुण नैन ढिंग, और फिर जो है इन्हीं का सेवन करते 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 हरि, जो गुरु रूप हरि हैं, हरि प्राप्त हो जाते हैं। तो शब्द गुरु और हरि तीनों एक है। रोगी हरि जो अभी बताया, नाम वाणी निकट श्यामा श्याम प्रगट, गुरु और गुरुओं ने जो शब्द दिया और इनके माध्यम से जो हरि मिले, तीनों तीन चना एक छोल का, ऐसो अर्थ विचार बिहारी बिहारी दास अंचल बीच बिहार, तीन चना है एक छोल का है, कोई अंतर नहीं है नाम में और हरि में, हरि के नाम में कोई अंतर नहीं और गुरुओं में और हरि में कोई अंतर नहीं। रो बिहारी जो तो वह शब्द ब्रह्म को रूपा, सोई सतगुरु जान स्वरूपा, अपने घर ते उर्धर हेता, चलिए सतगुरु जहां निकेता। ये आज खंड के माध्यम से हम लोग सतगुरु महिमा श्रवण कर रहे हैं। अब यहां बताते हैं आचार्य प्रवर कि सतगुरु घर की महिमा वर्णो, ऋषि मुनि व्यास कियो सो निर्णो, अपने घर ते उर्धर हेता, चलिए सतगुरु जहां निकेता। प्रेम भाव निष्ठा आदर सम्मान अपने हृदय में धारण करके हम गुरुओं के निवास स्थान की तरफ चलने लगे, मान लीजिए चलने लगे भाव के साथ में, तो महाराज बोले अपने घर से उर्धर हेता, चलिए सतगुरु जहां निकेता। निकेता जहां सतगुरु विराजते हैं, निवास है। तो सतगुरु घर की महिमा वर्णो, ऋषि मुनि व्यास की ओसो निर्णो, तो महिमा वर्णन करते हैं जो व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने निर्णय किया है उस आधार पर महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देवा, सतगुरु घर की करी हैं सेवा। ब्रह्मा जी विष्णु जी रुद्र अथवा सभी देव सतगुरु घर की सेवा करते हैं। बोलो बिहारी जो चतुर्वेद उपनिषद विचारा, तंत्र संहिता शास्त्र सारा, चारों वेद उपनिषद तंत्र संहिता शास्त्र सब के सब, सबै पुराण मंत्र ऋषि धर्मा, ज्ञानी मुनि भक्तन को मर्मा। पुराण और ऋषियों के धर्म, ज्ञानी मुनि भक्त सब के सब जो है सतगुरुओं की महिमा गायन कर, सतगुरु घर को ये सब सेवे, नम्र हुए तन मन धन देवे। सतगुरु घर का सब सेवन करते हैं और तन से मन से धन से यथा सामर्थ्य जैसी जैसी सेवा परायण होते हैं। हरि जो महाराज राक्षस दैत्य प्रेत वैताला, विषधर उरग आदि सब काला। यहाँ तक है कि राक्षस भी, दैत्य भी, प्रेत भी, बेताल विषधर उरग सब सर्पों के कुल हैं, वहां भी गुरु परंपरा है।
तो पांच तत्व गुण तीन सब तीर्थ राज प्रयाग, पांच तत्व क्षति जल पावक गगन समीरा, और गुण तीन रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुण तीर्थ राज प्रयाग सर सरिता गिरवन सवै प्रयाग, और जितनी भी सरिता हैं, जितनी भी गिरी हैं, पर्वत हैं, वन हैं, गुरु सेवत सब त्याग, सभी गुरुओं का सेवन करते हैं। क्योंकि ये वन रूप में दिख रहे हैं, सरिता रूप में कोई भी दिख रही है, नदियों के रूप में, लेकिन इनके जो है प्रकट स्वरूप भी हैं सबके, जैसे हवा है, पवन है, इनका जो है प्रकट स्वरूप भी है। अब हवा के रूप में है या सूर्य है, सूर्य भगवान के कई स्वरूप हैं, मूर्तिमान, रथ पे विराजमान, तेज को पुंज, कुंज को पुंज, व्यापक स्वरूप। तो जैसे रथ के यानी भगवान सूर्य के बहुत स्वरूप हैं, कई स्वरूप हैं, चार स्वरूप हैं, तो जो मूर्तिमान स्वरूप है, तो ऐसे ही मूर्तिमान सबके स्वरूप हैं। तो ये सबके सब सतगुरु की पूजा करते हैं, इसलिए अगर सतगुरु नहीं है तो उनका जीवन ही कुछ नहीं है, जीवन जीवन। गुरु बिहारी जो महाराज, तो ऐसे मन धरे गुरु घर जाइए, जीवन जन्म सफल कर लइए। तू अपने हृदय में पूर्ण रूप में गुरुओं के प्रति भाव विचार करके कि मेरे गुरुदेव साक्षात हरि स्वरूप हैं, तो सब गुरु घर की सेवा करते हैं, सतगुरु की सेवा करते हैं, सब भाव विचार करते हुए और गुरुओं के घर जाना चाहिए, यानी उनके निवास स्थान पे आश्रम पे जाए भाव लेके, जीवन जन्म सफल कर लइए और अपने जन्म को सफल करे। गुरु घर तवे दृष्टि में आवे, कर दंडौत अधिक सुख पावे। जब गुरु घर दृष्टि में आ जाए, गुरु का अर्थ पहले बता चुके हैं, गुह माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जिनके माध्यम से जो जन्म जन्मांतर से अंधकार है और वो प्रकाश हो गया, हरि भक्ति परायण हृदय हो गया, बिहारी बिहारी के शरणार बिंदों में ये भटका हुआ मन अनवरत रूप से, अखंड रूप से, अल्प रूप से या दीर्घ रूप से, और जो है स्थिर हो गया, तो समझना चाहिए ये हमारे कल्याणकारी गुरुदेव और हरि स्वरूप है। तो गुरु घर तवे दृष्टि में आवे, कर दंडो तो अधिक सुख पावे। जहां से गुरु घर देखने लग जाए, जैसे ऊंचाई होती है आश्रमों की, जहां भी अपने गुरु घराने हैं, दृष्टि में आ जाए, तो महानुभाव कह रहे हैं वहां से ही दंडवत कर ले। घर के लिए गुरु तो दिखे ही नहीं है, घर के लिए ही दंडवत कर ले। तो गुरु घर तब है दृष्टि में आवे, कर दंडो तो अधिक सुख पावे। ऐसे मन में करत विचारी, कहां गुरु कहां मैं अधम विकारी। ऐसे मन में बहुत प्रकार से विचार करते रहे कि कहां मैं अधम और कहां ये गुरुदेव कल्याण करने वाले, एक मैं अधम और नो अधम का कल्याण करने वाले हरि स्वरूप श्री गुरुदेव, और मैं उनके पास जा रहे हूं। तो ये निष्ठा भाव, अपने को अधम माने, अपने को दीनहीन माने, कहीं से अपने आप को अग्र न माने, वहां कृपा होती है। हरि दीनन पे कृपा, सुने अहंकार भला न भैया। क्योंकि गुरु कृपा तभी करते हैं, हरि कृपा तभी करते हैं जब हृदय में दीनता आती है। अगर दीनता नहीं है तो कृपा नहीं होती। अपने आप को तुच्छ माने, हो ज्ञानी अभिमानी होना, हे प्रभु मैं ज्ञानी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं तो आपका दासान दासो भविताश में, मैं तो दासों का दास हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं। तो अपने आप को दीनहीन माने,
तो महाराज कहते हैं सुन अहंकार बलान भैया, काहे को दुख सुख मानत पयत में बिना दिया। अरे बाबरे अहंकार मत करो, मन में दीनता रखो, दया दीनता मन में भरिए और संशय सागर पार करिए। आचार्य कहते हैं दया छूटों पर दया रखो और बड़ों के सामने दीनता रखो। तो निश्चित ही संशय सागर से पार हो जाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति, जिस कारण से ये विनाश होता है आत्मा का, क्योंकि संसार में संशय के कारण ही बार बार जन्म होते हैं। संशय छेदन नहीं होता है गुरुओं का आश्रय प्राप्त करके, तो जन्म मरण का फंदा भजन का सिद्धांत नहीं कहते हैं, संशय ही संसार। तो सुन अहंकार भला न भैया, तो अहंकार रहेगा तो संशय छेदन नहीं हो पाएगा। संशय विदीर्ण जब ही होगा जब अहंकार का छेदन होगा, अहंकार जाएगा। तो महाराज बोले सुन अहंकार भला न भैया, काहे को दुख सुख मानत प्रयत्न बिना दिया। अरे दुख और सुख तुम क्यों मान रहे हो, ये विश्वास रखो कि जो कुछ मिलता है हरि कृपा से प्राप्त होता है, तेरे कृत से नहीं हरि कृपा से। तो पर अहंकार रहेगा ही नहीं, उनकी कृपा मनाते रहेंगे कि अपने बल बुद्धि प्रत्न आसम पासम प्रश्न कृपा तिहारी, मेरे अपने बल बुद्धि से तो मेरी कोई आसंग है ही नहीं प्रभु, पासंग मात्र भी तुम्हारी कृपा मुंह अधम पर हो जाएगी तो बात बन जाएगी। तो अपने बल बुद्ध तो सुन अहंकार भला न भैया, काहे को दुख सुख मानत प्रयत्न बिना दिया। दुख और सुख मानते हैं, जैसे मन में दुख भी मानते हैं ना कोई, ये भी अहंकार है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है यथार्थ रूप में, तभी हम दुख मान रहे हैं। दुखे सुखे शनि कृपा लाभा लाभू दया जी, तो ये भी अहंकार है। अगर मन में दुख मानते हैं या सुख मानते हैं, हरि भक्ति से अलग संसार के सुखों से सुखी हो जाते हैं, संसार के दुखों से दुखी हो जाते हैं, दोनों ही अहंकार है। अहंकार का मतलब क्या है, अहम धनकार, मैं करता हूं, हरि करता नहीं है मैं करता हूं, अपने को करता ये मान लेता है तो हरि से विलग हो जाता, अलग हो जाता। बोलो हरि जी। तो सुने अहंकार भला न भैया, काहे को दुख सुख मानक प्रयत्न बिना दिया। बुद्धि विवेक भजन भरि राखत मोहन हीर हिया। महाराज बोले अरे बाबरे, बुद्धि विवेक, विवेक का सहारा लेके अपनी सात्विक बुद्धि में और भजन को भर ले। बुद्धि विवेक भजन भर राखत, भजन कर बिहारी व्यन कर निष्काम भजन। मोहन हे रहिया, उसके प्रणाम स्वरूप हृदय में मोहन को यानी बिहारी जी महाराज को देख, कहां देख, हृदय में हिया, मोहन हेर हिया, बाहर पसारा मत फैलावे, हृदय में बिहारी विहारन का अवलोकन, उनके दर्शन कर विचार कर। मोहन हेर हिया बिहारी दास प्रभु पियो सुमान्यो, यो जन जा यो जग जान जिया। ये विश्वास रख, मन में दृढ़ता रख कि जो बिहारी जी करते हैं वही होता है। बिहारी दास प्रभु पियो सुमान्यो, ऐसा विश्वास और उनकी कृपा मनाते रहेंगे बिहारी वैरन के गुरुओं के आचार्यों के, तो जो अहंकार है क्रमशः कटता रहेगा जाता रहेगा। अपना बल जब लगाते हैं, साधक सिद्ध भयो तो कहा जो कुंवर किशोरी कृपा न जांची, साधक भी हो गया सिद्ध भी हो गया मान लीजिए, महाराज बोले कुछ नहीं है, सिद्धता प्राप्त होने के बाद भी तुम किशोरी जी की कृपा नहीं मनाते हैं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधक सिद्ध भयो तो कहा यारिंदी जी कुंवर किशोरी कृपा न जांची, तो किशोरी जी की
कृपा मनाएंगे, स्वामी जी महाराज की कृपा मनाएंगे, तब ही कुछ हासिल होगा। अपने बल बूते पे अहंकार में रहेंगे कि हम करता हैं, भजन करते कराते भी वस्तु हस्तामल नहीं होती है, क्यों भजन में अगर अपना अहंकार है कि मैं कर रहा हूं भजन, काऊ को बल भजन को काहू शिष्य पचास। ब्यारेन्द्र जी महाराज कहते हैं कोई तो ये समझता है कि मैं इतना भजन करता हूं बहुत बहुत, उसका बल है भाई, उसके पास भजन का बल है, और कोई कहता है मेरे बहुत शिष्य हैं उनका बल है, उन शिष्यों का बल है, हमारे पास कोई बल नहीं, न भजन का बल है न शिष्यों का बल है। एक हतिया हरिदास को मेरो नाम बिहार दास, मेरे पास तो एकमात्र बल स्वामी जी का बल है, एक हतिया उनके हस्तकमल का बल है, वरहस्त का बल है, और कोई बल नहीं है। जिन्होंने ये बल स्वीकार कर लिया, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, तो और बल सब ठीक है। ये बल जिनके पास है वास्तव में है वही धनी है, वही बलवान है। लोग हरिजू तो बिहारी दास प्रभु कियो सुमान्यो यूं जन जान दिया। तो संसार में इस तरीके से अपने आप को अनुगत मान के मैं बिहारी बिहारन को आचार्य गुरुओं का अनुगत एक छोटा सा दास हूं, वो जरूर वो अपना लेंगे, ऐसी कृपा मनाते हुए और अपनी उपासना में आगे बढ़े, अहंकार न करे, तभी गुरु कृपा करते हैं, सहज कृपा होती रहती है, सहज वरदान मिलता रहता है दीन भाव होने पर, और अहंकार होने पर अपने आप श्राप मिलता रहता है। अहंकारी प्राणी को सहज श्राप मिलता रहता है और दीनहीन प्राणी को अपने आप वरदान मिलता रहता है, उसके फलस्वरूप बिहारी विहरण प्राप्त होते हैं, और उसके फलस्वरूप अहंकार के फलस्वरूप संसार चक्र संस्कृति चक्र प्राप्त होता है, आवागमन प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार को त्याग करें और दीन भाव से बिहारी विहरण के चरणों में अनुराग। बोलो स्वामी जी महाराज आज का प्रश्न। मन मेरे भजे लैसे कुंज, मन मेरे सब सुख सार रूप उजागर, सब सुख अंग संग प्रीतम प्यारी जान, अंग संग प्रीतम प्यारी जान, मन मेरे भजिले से प्रिय वृंदावन घन नावन कुंज में श्री रंग, मैं केले करत भुज चारी चारी, केले करत भुज चारी, मन मेरे भजिले रे बिहारी बिहारिन दास लड़ावती, बिहारी दास लड़ावत जीवन प्राण मारी, जीवन प्राण मान मेरे बजरे सिंह, मान मेरे बजरे सिंह। श्री बिहारी जी महाराज की।
स्वामी जी महाराज की, वृंदावन चंद्र की, समस्त आचार्य वृंदन की, गुरुदेव शरणार विंद की, जय जय श्री।